तब सुबह अंकिता बहुत जल्दी उठी और उठ के तैयार हो गई, पर 50 कंफ्यूजन के साथ केसर वाला पानी पिया, निकलने से 3 बार वापस आई क्योंकि कुछ ना कुछ भूल रही थी। फाइनली अहमदाबाद आने के लिए निकल गई, आधी सो रही थी पर जाग रही थी, और फाइनली अहमदाबाद पहुंच गई जहां पे मैं इसका वेट कर रहा था। मम्मी की फ्रेंड कुछ खाने का लाई थी तो हम वही ट्रेडिंग देख रहे थे। लंच में काफी वैरायटी थी तो हम तीनों ने मस्त पेट भर के खाना खा लिया। तैयार हो गया पर उसमें भी हमारा कुछ झगड़ा हो गया। मम्मी को मिलकर बाहर निकल रहे थे तो मैंने इसको थोड़ा परेशान किया क्योंकि ये मानती भी ऐसी है, बिगड़ती भी ऐसी है, पागल भी ऐसे ही होती है। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर गए क्योंकि वहां पे कोई ट्रीटमेंट की बात करनी थी, वो बात करके हम लोग निकले। मैं गुस्से में था क्योंकि भूख लगी थी और ये एक जगह की जगह गोल 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 कब से घुमाया जाती है, हमारा फिर से झगड़ा हो गया। टी पोस्ट आया था, जगह मेन्यू अच्छा था, फाफड़ा तो देख के ऑर्डर कर दिया। टेबल पर बैठ के थोड़ा परेशान किया ताकि ये फिर मान जाए। बहुत गर्मी है बोल के ये चाय पी रही थी, मतलब हद है। ऊपर से खाने के फोटो वीडियो भी लेना जरूरी है। मेरी मैगी और फाफड़े में से इसने बिल्कुल हेल्प नहीं की तो मैं गुस्सा हो रहा था, पर ये बोल रही है मैंने खुद का खा लिया। टी पोस्ट के कोई नए ड्रिंक्स आया था तो मैंने पहले ये ट्राई किया जो मुझे अच्छा लगा, पर दूसरा ट्राई किया तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर कुछ सब्सक्राइबर से मिले, घर जाने निकले तो भाई रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए। थोड़ी देर एडिटिंग करने के बाद हमारा फिर झगड़ा हो गया क्योंकि हम दोनों अलग अलग टीम को सपोर्ट कर रहे थे, पर जब इसकी टीम हार गई तो भैया रोने लगी लिटरली। फिर लेट रात मैंने गलती से उसको बोल दिया मुझे भूख लगी तो भैया खाना बनाने बैठ गया और मुझे नींद आ रही थी, पर यह खाने में बहुत ही मजा आ गया। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, पिन कमेंट चेक लेना।